हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चेल्सी जस्ट जीती है 6-2 एंड यस चेल्सी फैंस, वी आर बजिंग टुडे, एक्सट्रीमली हैप्पी। एंड मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे लास्ट वीक का, जो मैन सिटी के साथ हारे थे, बॉन्कर्स हो रहा था, मैंने बहुत कुछ बोल दिया था। मैंने लास्ट में बोला था इफ एंजो मरेस्का सम हाउ प्रूव्स मी रॉन्ग आई वुड बी वेरी हैप्पी, बट वुल्व्स थी एंड क्या वुल्व्स, एक बुरी टीम थी, अच्छी टीम थी। लेट्स रिफ्लेक्ट। मैं स्टार्ट करूँगा प्री मैच के पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें अगर दोनों मैनेजर्स को कुछ पूछा जाता है, व्हाट इट्स लाइक यू नो गोइंग इनटू दिस गेम, क्या सोच के आए हो। चेल्सी की तो ऑफकोर्स उड़ा रहे थे, अगर मरेस्का से पूछेंगे तो कि लाविया क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा है, क्यों नहीं खेल रहा है, ये पूछा था। आई डोंट थिंक सो कुछ और इम्पोर्टेंट पूछा था। बट इफ़ यू सी गैरी ओनील, दैट इज वुल्व्स का मैनेजर, इफ़ यू गाइस डोंट नो, गैरी ओनील को पूछा गया था कि लास्ट सीजन वुल्व्स के होम में दे वॉन्ट 2-1 अगेंस्ट अस, चेल्सी के होम में 4-2 वुल्व्स जीती थी हमारे सामने, तो वुल्व्स का रिकॉर्ड अच्छा था। यू हैव डन वेल अगेंस्ट चेल्सी, सो हाउ डू यू सी दिस गेम, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोलूंगा आंसर था, लेकिन बंदे के अंदर एक जोश था मे बी कि येस वी विल ट्राई टू बी दी बेस्ट टीम। लाइक मुझे दिख गई थी कमी कि वो ये गेम में हल्का सा ओवर कॉन्फिडेंट जा रहा है। एंड वुल्व्स अगर देखेंगे तो लास्ट सीजन से ही देखेंगे गैरी ओनील के अंदर बहुत ही अटैकिंग टीम थी, तो उसको यही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या तुम ये सीजन भी वैसे ही खेलने वाले हो, उसका भी रिएक्शन यही था कि येस वी विल बी दी डोमिनेटिंग टीम, चेल्सी विल हैव देयर चांसेस, ये वर्ड तो उसने पक्का बोला था। ये सुन के मेरे को लगा भाई वी वोंट हैव ओनली चांसेस ब्रो, हम लोग डोमिनेट करेंगे एटलीस्ट इन नंबर्स, एंड वी डिड। तो अगर फर्स्ट हाफ देखे, अगर फर्स्ट हाफ को कंक्लूड करें, तो जैसे मैं हमेशा स्ट्रीम पे बोलते आया हूँ कि फर्स्ट हाफ दोनों टीम के प्लेयर्स, दोनों 22 प्लेयर्स गेम को एनालाइज करते कि सामने वाली टीम कैसे तरीके का गेम प्ले खेल रही है, ऑन पेपर कुछ अलग खेल रही है या ऑन फील्ड उनके टैक्टिक्स कुछ अलग है क्या, लास्ट गेम से प्रीवियस गेम से कुछ अलग खेल रहे हैं क्या, तो ये सब होता है फर्स्ट हाफ में। एंड फर्स्ट हाफ हो गया था पूरा फायरी, 4 गोल पड़े फर्स्ट हाफ में, इट वॉज 2-2। पहले तो जैक्सन ने आउट ऑफ नोवेयर फर्स्ट कॉर्नर से ही मार दिया, तो वुल्व्स ने गोल मारा विथ कुनिया, वो जो ऑफ साइड हो गया था, देन उन्होंने अपना फर्स्ट गोल मार दिया। देन राइट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ कोल पार्मर ने मारा बहुत ही ब्रिलियंट गोल, एंड मुझे आज जैक्सन का इम्पोर्टेंस पता चल गया। लास्ट सीजन एक झलक दिख रही थी हमें, एंड ये सीजन दोनों गेम अगर जैक्सन ने स्टार्ट किए, सिटी के सामने तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन ये गेम में उसका इम्पोर्टेंस पता चल गया कि हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ स्मार्ट ऑफ अ स्ट्राइकर इज निकोलस जैक्सन। कैन ही ब्रिंग 20-25 गोल्स पर सीजन? भाई नो, दैट इज़ नॉट अ स्ट्राइकर व्हाट जैक्सन इज, बट ही इज़ अ स्ट्राइकर हु कैन प्ले अलॉन्ग साइड गुड अटैकिंग मिडफील्डर्स, विंगर्स, तो जैक्सन उस तरीके का स्ट्राइकर है, तो वो इस टीम में बहुत अच्छा जेल हो रहा है, एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम, ही गॉट द असिस्ट एंड कोल पार्मर को उसका फर्स्ट गोल दिया एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ। लेकिन एंड होते होते मैं गया था वॉशरूम एंड उसके बीच में ही मार दिया वुल्व्स ने अपना सेकेंड गोल, चेल्सी हो गई थी स्लॉपी एंड 2-2 हुआ फर्स्ट हाफ एंड होते होते। चेल्सी फैंस डिसअपॉइंटेड थे, वुल्व्स के प्लेयर्स आई थिंक सो हैप्पी होंगे कि एटलीस्ट वो लोग डाउन तो नहीं है हाफ टाइम में, बट सेकेंड हाफ वुल्व्स कोशिश की कि हम गेम सील कर देते हैं कैसे ना कैसे, क्योंकि दिख रहा है कि चेल्सी 2 मार के शांत नहीं रहने वाली है। एंड देयर केम कोल पार्मर एंड नॉनी मडुकी, वेर वॉज दिस गाय लास्ट सीजन, वेर वॉज दिस गाय, वाई वॉज नॉट पॉच प्लेइंग हिम बिकॉज ऑफ दैट ब्रैड स्टर्लिंग। स्टर्लिंग को गाली दे के मैं थक गया लास्ट सीजन, टूडे वी नो why Sterling is being sold, क्योंकि ऐसे stars को बाहर लाना पड़ेगा, and thank God Mudrik is just a road runner, भाई Mudrik का कुछ करना पड़ेगा, and मैं बोला हूँ भाई नहीं चलेगा ऐसा play, we have to sell him if he doesn't at least you know grow होने का time ख़त्म हो गया उसका, अभी you need to do what Nonny Maduki is doing from the right hand side, वरना Pedro Neto is on भाई, Pedro Neto is on। नॉनी मडुकी स्कोर्स 3, गेट्स हिज हैट्रिक, फीलिक्स
फीलिक्स, अगर फीलिक्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, उसका जो छोटा सा टाइम था चेल्सी के साथ, उसने जो भी किया उस टाइम में वो चेल्सी फैंस को अच्छा लगा, क्योंकि वैसे फ्लेयर के प्लेयर्स आजकल दिखते नहीं हैं। जिस तरीके का उसका खेलने का तरीका है, वैसा यू डोंट यूजुअली सी इन द प्रीमियर लीग। अगर आप उसकी प्लेइंग पोजिशन देखें तो दैट कैन बी अ पॉइंट टू बी टॉक्ड अबाउट, कि भाई तेरा बेस्ट पोजीशन क्या है। तू कैम खेलता है, विंगर खेलता है, स्ट्राइकर खेलता है, सेकंड स्ट्राइकर खेलता है, फॉल्स नाइन स्ट्राइकर है, तू है क्या एग्जैक्टली? बट आई डोंट थिंक सो उसको ज़रूरत है। ही जस्ट नो हाउ टू प्ले एट चेल्सी एंड डेब्यू पे गोल, एंड बहुत अच्छा प्ले था। ड्रूसबी हॉल बहुत ही टाइट एंगल पे थे ऑन द बॉटम साइड ऑफ द स्क्रीन, एंड वहाँ से फ्लिक किया उसने। आई थिंक सो एनजो था जिसने बॉल थ्रू दिया पेड्रो को, पेड्रो नेटो विथ अ ब्रिलियंट पास इनसाइड द बॉक्स, एंड फीलिक्स विथ अ गुड फिनिश। एंड आप बोलोगे हाँ भाई फीलिक्स इजी फिनिश था, ओपन गोल था बोलोगे, भाई वहाँ से मैंने लोगों को मिस करते हुए देखा है गोल। सो यू हैव जस्ट कम ऑन द पिच लाइक हार्डली 5 मिनट्स हुआ रहेगा उसको एंड यू जस्ट स्कोर्ड, तो तूने बॉल को फील भी नहीं किया है। तो एटलीस्ट ही इज दैट गुड कि ही कैन स्कोर ऑफ द बेंच। प्रीमियर लीग में सालों से खेल रहे हैं एंड मैनी पीपल मिस दैट काइंड ऑफ ईजी चांसेस, बट एटलीस्ट ही कैन स्कोर, एटलीस्ट ही कैन पुट द बॉल इनसाइड द नेट। वैसे प्लेयर्स चाहिए हमें। एंड टू फाइनलाइज द वीडियो, अगर डिफेंस की बात करें, हम लोग ने 2 गोल्स खाए कैसे, एंड गोइंग फॉरवर्ड इन टू द सीजन आई थिंक सो हम लोग और गोल खाएंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट हाफ में ये था चेल्सी का कि वी डोंट हैव अ बैलेंस्ड मिडफील्ड। सेकेंड हाफ में वेन वी गॉट दैट थर्ड गोल, वी गॉट दैट फोर्थ गोल, दैट्स इट, वहाँ पर वुल्स के हेड डाउन हो गए थे। अगर वहाँ पर वुल्स 3-2 करती मे बी हमारे हेड्स डाउन हो जाते, बट एटलीस्ट वी गॉट द थर्ड गोल विच मेड इट इजियर टू गो फॉर द फोर्थ गोल। एंड जो एक मिडफील्डर का होल्ड अप पोजिशन होता है सेंट्रली, ही वॉज वेरी ब्रिलियंट एट इट। लाविया को बहुत प्रेज मिला था वो गेम में एंड ही मिस्ड इट टुडे। सो काइसेडो पता नहीं फर्स्ट हाफ में इतना हॉरेंडस परफॉर्मेंस दे रहा था, सेकेंड हाफ आते ही बंदे को क्या हो गया, वी सॉ अ डिफरेंट काइसेडो इन द सेकेंड हाफ। इसके लिए मैं किसी को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता हूँ इस टीम में कि कौन कैसा खेलेगा, कब खेलेगा। काइसेडो के एक भी गलत पासेस नहीं थे इन द सेकेंड हाफ, बट फर्स्ट हाफ सब गाली दे रहे थे उसको। सेकेंड हाफ ही एटलीस्ट इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ, विच इज़ अ गुड थिंग फ्रॉम हिम। बट जो मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ कि हमारा मिडफील्ड स्टेबल नहीं है, हुम वी आर प्लेइंग। अगर हम अटैकिंग जा रहे हैं, वी नीड दोज 4 पीपल अहेड, कोल पार्मर, नॉनी मडुकी, निकोलस जैक्सन, जाओ फीलिक्स हो गया, एनकुंकू हो गया, मुड्रिक हो गया, पेड्रो नेटो हो गया, इनकी अटैकिंग नीड चाहिए। तो जब चेल्सी आर अटैकिंग विद 4 मैन, मिडफील्ड के पास सिर्फ 2 बंदे रह जाते हैं, दैट इज़ काइसेडो एंड एनजो। काइसेडो नहीं है तो ड्रूसबी हॉल, एंड अगर 3 मैन का मिडफील्ड खेल रहे हैं तो एनजो को बहुत आगे डीप जाना पड़ता है, ही हैज़ टू कम बैक इन द डिफेंस। तो आई थिंक सो वो प्रॉब्लम है चेल्सी की डिफेंसिवली कि वी कैनॉट होल्ड आर मिडफील्ड प्रॉपरली, जिसके वजह से बॉल क्विकली डिफेंस तक पहुंच रहा है, एंड डिफेंस तक पहुंचते ही हमारी डिफेंस का एवरेज एज ही क्या है, 24-25 आई थिंक सो। फोफाना इज 24, कुकुरेला इज 26 or 27, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, सॉरी गाइज। बट वही मैं बोल रहा हूँ, एक डिफेंस पे एटलीस्ट एक टियागो सिल्वा या फिर एक ऐसा प्राइम बंदा होना चाहिए जो डिफेंस को शाउट करे, डिफेंस को स्टेबल रखे, एक बैलेंस गेम प्ले रखे फ्रॉम द बैक। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम द रिजल्ट, फ्रॉम द स्कोर लाइन। लेट्स होप कि ये ऐसे ही कंटिन्यू करे चेल्सी, and we at least try to get into the top 4. I'm hoping that could happen, but abhi bhi jo midfield and defense ka
डिफेंस को स्टेबिलिटी अभी तक मिली नहीं है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अटैकिंग वे आई थिंक सो वी नीड टू नॉट मेक मच चेंजेस जो चल रहा है. अगर इंजरीज आती है होप सो नॉट ज़्यादा इंजरी ना आए लास्ट सीजन जैसे, बट होपफुली वी एटलीस्ट गेट द टॉप फोर. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. लेट्स सी वीकडे पे कोई अच्छा वीडियो डालने की कोशिश करूँगा मैं. मेक श्योर टू कमेंट योर थाट्स इन दी कमेंट सेक्शन बिलो. लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स.